दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आपने टाइटल देख लिया होगा, आज बात करते हैं एमएलएम अमन की और एड गुरु प्लान की और स्कैमर्स की बात करेंगे जो इनका साथ देते हैं वो भी स्कैमर ही हैं, उसके बारे में बात करेंगे, अंध भक्तों के बारे में और एक्चुअल में क्या हुआ उस पूरी सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली मेरी वीडियो थी जो एड गुरु के ऊपर थी, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, उसको हटाने की कोशिश की गई क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बताई थी जो है, तो उसको रिमूव किया करने की कोशिश की गई कि हाँ भाई रिमूव कर दी जाए और लोगों को सच ना पता चले। आपको दिख रहा होगा इस वीडियो के बाद आप देख सकते हैं उसमें क्या चीज़ें मैंने बोली थी, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि मैं आपको सच्चाई बता पाऊँ एमएलएम अमन के बारे में और उनके अंधभक्त के बारे में कि वो क्या थिंक रखते हैं, लाइक स्कैमर के दोस्त स्कैमर ही होते हैं। उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि हम ज्ञान बांटते रहते हैं। आप मेरी एड गुरु की वीडियो देख सकते हैं, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया क्या दिक्कत है। एक्चुअली वो काफी वायरल हो चुकी है तो लोगों को पता लग गया क्या सच है। मैं विद प्रूफ बात करता हूँ, विदाउट प्रूफ बिल्कुल भी बात नहीं करता, तो अलग स्वागत भाई का। तो इस चीज़ में वो चीज़ें रिमूव करने की कोशिश की गई, क्यों? क्योंकि एमएलएम अमन इसको प्रमोट कर रहा है तो उसके क्लाइंट है वो खत्म हो जाएंगे, लोग आगे से इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उसको फायदा नहीं होगा, इस रीजन से उसने डिलीट करने की कोशिश करी। बट यूट्यूब ने आगे से मेल कर दिया कि वी डो नॉट प्लान टू रिमूव योर वीडियो एट दिस टाइम, मतलब कि उन्होंने साफ मैंशन किया कि हम आपकी वीडियो डिलीट नहीं कर रहे हैं, ये आपकी वीडियो का लिंक है, क्योंकि आपकी जो वीडियो है वो फेयर यूज़ के अंदर आती है, मतलब आपने फेयर यूज़ के अंदर इसको यूज़ किया है तो हम इसको डिलीट नहीं करेंगे। बट हम आपको बता दें कि ये बंदा है जो जिसने कोशिश करी आपकी वीडियो हटाने की, उसने मेंशन किया है कि आपने उसका कंटेंट यूज़ किया। तो कंटेंट क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली इस वीडियो में इन्होंने एटीएम को चेंज किया और लोगों को बताया कि हम इस एटीएम से पेमेंट कर रहे हैं, बट जब इन्होंने वीडियो में क्या किया, वीडियो पोस्ट करके दूसरे एटीएम से पैसे निकलवाए और उनको बोला कि एड गुरु की डेबिट कार्ड से हम पेमेंट निकाल रहे हैं, मतलब बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई। वो मैंने एक्सपोज किया, वो मैंने बताया सच जो था और यही वीडियो को हटाने की इनकी कोशिश थी कि ये हट जाए और लोगों को ना पता चले। अब बीच की बात क्या है, अब ये वो ही बता सकते। इसने मेन कंटेंट पता कौन सा बोला, ये जो सा वीडियो प्ले हो रही है आप देख सकते हैं, इसने ये बोला कि ये कंटेंट है जो वो मेरा है, वो इसने यूज़ किया है। इस वीडियो में मैंने साफ मेंशन किया था कि इन्होंने क्या गड़बड़ करी है, मैंने प्रूफ किया। वो चाहता है कि ये दिखे ना किसी को कि ये वीडियो क्या है, क्योंकि अगर ये दिखेगी तो वैसी बात है कि उसका जो मतलब बिजनेस है वो ख़त्म होगा, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और फंसेंगे नहीं, तो इस करके इसने ये करने की कोशिश की और ये वीडियो मेरी डिलीट करने की कोशिश की। बट कि यूट्यूब ने नहीं कहा, यूट्यूब ने साफ मना कर दिया हम नहीं करेंगे क्योंकि उसने फेयर यूज़ किया, साफ एंड सीधी बात है। उसको ये लगता था वीडियो डिलीट हो जाएगी क्योंकि लास्ट टाइम भी इसने, इसको ऐसे ही होता है जब भी कोई इसके खिलाफ वीडियो बनाता है, खिलाफ क्या जो भी सच बताता है, लाइक इसने रॉकी डॉट कैश है, इसने बोला था रॉकी डॉट कैश के बारे में, ये वीडियो देख सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब इसने ये वीडियो ये हटा दी है क्योंकि वो स्कैम हो चुका है, इसने हटा दिया है। इसका जो एक्सपोज किया था वो किया था हमारे पेंडू ने, सनी पेंडू ने, उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उनका आप जाकर देख सकते हैं, वो भी अब इस पे वीडियो बनाने वाले हैं। तो उसकी वीडियो डिलीट कर दी क्योंकि वो पहले बता रहे थे स्कैम हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा, बट इसने डिलीट करवा दी क्योंकि लोगों इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और जैसे ही लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी जब स्कैम हो गया, इसने वीडियो ओनली में कर दी, अब वीडियो नहीं है। बट आप देख लेना, इसमें सारा प्रूफ है, मैं प्ले नहीं कर सकता क्योंकि सनी भाई है तो ये स्ट्राइक का खतरा होता है। तो आप देख सकते हैं ये ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है और मेरी एड गुरु की वीडियो डिलीट करने का इसका मकसद ही यही था और इसमें कुछ कॉपी नहीं किया हुआ, सारा मेरा कंटेंट है, मैंने प्रूफ विद प्रूफ बात की हुई है क्या चीज़ें हैं। आप वीडियो देख सकते हैं, टाइम मैं आपको बता देता हूँ लास्ट का, लाइक आप 8:30 से शुरू करना, देखना कि इसमें क्या चीज़ है, मैंने सच बताया क्या है, विद प्रूफ बात करता हूँ, विदाउट प्रूफ तो मैं बोलता ही नहीं, साफ एंड सीधी बात है, ठीक है। ये चीज़ें हैं और इसने स्ट्राइक लगाने की कोशिश करी उस वीडियो में ना, इसकी मैंने एमएलएम की बात भी नहीं की, एमएलएम अमन के बारे में मैंने बात ही नहीं की, एमएलएम अमन कौन है क्या है कुछ नहीं बात की, इसने स्वाद लिए हैं, मुझे उससे पर्सनल इशू कुछ नहीं है, बट वो पंगे खुद लेते हैं, फिर ऑब्वियस सी बात है मुझे सच दिखाना तो है ही है। तो ये चीज़ें इसने डिलीट करने की कोशिश की बट यूट्यूब ने नहीं कहा, फिर मैं इसने यूट्यूब को बोला कि इसकी वीडियो डिलीट कर दो, ये इसका जो मेन मोटिव था वो था कि वीडियो डिलीट हो जाए, लोगों को सच ना पता चले। आप वीडियो देख लेना, कोई भी कमी लगे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देना कि क्या कमी है, मतलब आपको क्या गलत लग रहा है कि मैंने कुछ झूठ बोल रहा हूँ, अगर झूठ बोल रहा हूँ तो बताओ, मेरी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, मैं क्यों बोलूँगा भाई, ना मैं किसी प्लान को प्रमोट कर रहा हूँ तो मैं क्यों बोलूँ, अगर मैं सोचूँ किसी एमएलएम को प्रमोट कर रहा हूँ देन मैं उनके बारे में बुराई कर रहा हूँ, तब तो मानो, मैं तो किसी को प्रमोट ही नहीं करता, ठीक। एक्चुअली इसका काम ही यही है, जो लोग सच्चाई दिखाते हैं लाइक क्रिप्टो पेंडू हो गया, यूट्यूब पर लिस्ट दे सकते हैं, इसको एक्सपोज किया हुआ है सब ने, ठीक है, उसकी ये वीडियो डिलीट करने की कोशिश करता है क्योंकि ये नहीं चाहता कि हाँ भाई इसका बांडा खुले।
तो दैट सीजन कि ये स्ट्राइक लगाता है और कोशिश करता है वीडियो डिलीट करने की। इसने क्रिप्टो पेंडू की भी डिलीट की। क्रिप्टो पेंडू ने बोला कि ऐसा क्यों किया, कह रहा ये तो भाई गेम है, मतलब राजनीति खेल रहा है बंदा। तो ये यूट्यूब को बोलता है, बार बार बोलता है रिमूव कर दो रिमूव कर दो। यूट्यूब कह रहा भाई ये फुद्दू बना रहा है क्या, फेक स्ट्राइक कौन लगाता है। फिर जब इसने बोला कि वीडियो डिलीट कर दो वेब मास्टर माइंड की, तो यूट्यूब की क्या रिएक्शन थी, तो सुन लेते हैं सबसे तंग आकर। के बाद जो इसके चमचे हैं वो डर चुके हैं। लाइक ये देख सकते हैं बंदा, ये स्कैमर का दोस्त स्कैमर ही होता है, शक्ल देख लो। ये भी उसके नीचे लगा हुआ डाउनलाइन में, तो ये उसको सपोर्ट कर रहा है। उसने बोला भाई लोग पब्लिक साथ में है आपके, आपको किसी भी डरो मत, वेब मास्टर माइंड से कहां से आ गया इसको इग्नोर करो सभी यूट्यूबर, इसका वीडियो ट्विटर को अनफॉलो कीजिए कमेंट। अब इनमें से जो जैनवन यूट्यूबर है वो क्रिप्टो इंडिया या आई रिस्पेक्ट दैट, क्रिप्टो पॉइंट हिंदी, और भी मैनी मैनी मोर है। मनी गुरु को मैं जैनवन नहीं मानता और MLM को अभी भी अब नहीं मैं मानता, ठीक है। पहले मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट अब नहीं मानता क्योंकि इसने स्कैम प्रमोट किया है। मेरा मकसद ये नहीं है मैं किसी को टारगेट करूँ, मेरा मकसद ये है कि आप वो चीज़ गलत काम मत करो, किसी चीज़ को प्रमोट मत करो ऐसी जो स्कैम है। अच्छी चीज़ें लेके आओ, आई विल सपोर्ट यू, मैं उस चीज़ में खड़ा हूँ। ये क्रिप्टो इंडिया भी अच्छी चीज़ें लेके आ रहा है, मैं क्यों नहीं इसके बारे में बोल रहा, मैं और लोगों के बारे में क्यों नहीं बोल रहा, मैं मनी गुरु और MLM के बारे में क्यों बोला, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया तो मैं बोलूंगा भाई तुम्हारे में दम है ना, तुम्हारी डैश में तो रोक के दिखा दो, ठीक है। उसके बाद जब मैंने स्ट्राइक लगाई, उसके बाद बोलता मेरे लाल कॉपीराइट होता है, चाहे स्कूल हो करे या एक्चुअली ये बोल रहा था कि मेरा वीडियो डिलीट हो चुकी है, बट इसको नहीं पता कि यूट्यूब ने इसके मुंह पे तपाचा मारा है। ये उसको सपोर्ट कर रहा है, लाइक होता है ना कि एक किस्म से उसकी डाउनलाइन में लगा रखे बंदा रखा हुआ कि हाँ भी आपने जो हमारे खिलाफ है उनको आपने बोलना है। तो एक किस्म से ये सारे यूट्यूबरों को बोल रहा है कि आप डरने की जरूरत नहीं है, ये है वो है, कि क्यों डरते वो हैं जो गलत काम करते हैं, जो गलत काम नहीं करते तो वो डरते ही नहीं, साफ एंड सीधी बात है। तो इसलिए कि ये वीडियो डिलीट करने का मकसद क्या था उसका, अब ये आप उससे ही पूछो वो ही बताएगा कि यूट्यूब ने तो करी नहीं भाई, यूट्यूब ने तो बेइज्जती कर दी आपकी, साफ एंड सीधी बात है। और इसमें साफ मेंशन किया भी MLM अमन है, ईमेल आईडी भी दी हुई है, ये बंदा है, आप डायरेक्ट अगर कंसल्ट करना चाहते हो कर सकते हैं। भाई मैं वकील बंदा हूँ, आई नो वेरी वेल, और जो उनसे ये अब्यूजिंग कर रहे हैं लाइक क्रिप्टो जो भी है, क्रिप्टो लवर हो गया ये अलोक है, 5 मिनट में मैं ऐसी चीज़ कर दूंगा ना 5 साल तुम धक्के खाओगे कोर्टों में, आई समझ, फिर तुम हाथ जोड़ोगे मेरे आगे कि हाँ भी ये माफ़ कर दो माफ़ कर दो, अगर मैं अपनी आई पे आ गया। वकील से पंगा लेने से पहले ना 10 बार सोच लिया करो, ठीक है ना। मैं इग्नोर करता हूँ, मैं कहा छट पर की कहना है, अंधभगत है, बेवकूफ़ लोग हैं, इनको इग्नोर करो, है वैसे वाहियात लोग ही हैं, इनको मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा। वही लोग हैं जो नया नया फोन, जैसे मामा जी घर पे आते हैं ना, उनका फोन लेके छाती चोरी करके बाहर जाके दोस्तों को दिखाते हैं, वो मेरा फोन है, मेरा 20 इंच की छाती को 64 इंच का करके सारी दुनिया को दिखाते हैं, ये वही लोग हैं। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कमेंट करते हैं, इसको मैं ब्लॉक कर दूंगा क्योंकि ये अब्यूजिंग यूज कर रहा है, लाइक ये क्रिप्टो वो है लवर है वो भी अब्यूजिंग कर रहा है, चाहे वो मेरे लिए बोल रहा है या मेरे लिए स्मार्ट बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मैं बाबा मास्टर माइंड हूँ, उसको भी मैं लाइक ब्लॉक कर रहा हूँ और उसको भी करूंगा, इसको ब्लॉक बाद में करूंगा ये वीडियो डालने के बाद। तो खूब गालियां सुन ली हैं, और ये तो साला होना ही था क्योंकि जब गर्मी और प्यार हद से ज्यादा बढ़ जाता है ना तो ऐसी हरकतें विकसित हो ही जाती हैं। क्या बनाते हैं, मजाक बना के रखते हैं ये लोग, देखो यही है, देख सकते हैं सच्चाई क्या है। ये लोग चाहते हैं कि सच्चाई बाहर ना आए, वीडियो को डिलीट करना चाहते हैं। आप मेरी देख लेना एड गुरु की वीडियो, क्योंकि इसने एड गुरु को ये प्रमोट कर रहा है, तो ये नहीं चाहेगा कि उसके खिलाफ कोई वीडियो या उसके विरुद्ध कोई वीडियो कि जो उसके बिजनेस को ख़त्म करे, जो उसको कमाए, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब है, चाहे वो मनी गुरु है या कुछ है। मनी गुरु ने मेरा लॉस कराया, जिन्होंने मेरा लॉस कराया मैं तो उनकी माँ बहन एक कर दूंगा, तुम्हारे में दम मैं रोक के दिखाओ, मैं तो करूँगा भाई, मेरे पैसे लगे हैं तुम्हारे पैसे लगे हैं। ये लोग नाम के जो लोग हैं, ये जो भी बंदा है, ये शक्ल से चोर लग रहा है, गे कम्युनिटी का मेंबर, ये मेरे को बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे वाहियात लोगों की शक्लें देखो, ये स्कैमर को जो सपोर्ट करते हैं वो इनडायरेक्टली स्कैमर ही होते हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको पता है क्या सच्चाई है। मैंने सारी वीडियो विद प्रूफ बात की है, मनी गुरु ने इधर इसके कैश किया, उसके बाद उसने आके मेरा काफ़ी लॉस हुआ, ठीक है। इसमें MLM अमन ने काफ़ी स्कैम चीज़ें प्रमोट की हैं जो आज की डेट में बंद हो चुकी हैं, और वो आज की डेट में उसके ATC तक को किया उसने, उसकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। ये वीडियो देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जो ये वीडियो आपको लिंक मिल जाएगा नीचे, वो जाकर देख लेना। तो ये है कि ऐसे लोगों से जितना है बचो, मेरा काम ये है कि आपको अवेयर करना, मुझे किसी को डराना नहीं है कि हाँ भी है, मैं चाहता हूँ अच्छा काम करो, लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैं मनी गुरु डिजिटल हो गया, लाइक क्रिप्टोनेटर हो गया, लाइक क्रिप्टो इंडिया हो गया, इनको क्यों नहीं गलत बोलता कि ये स्कैम प्रमोट कर रहे हैं, स्कैम है, क्योंकि ये करते ही नहीं, क्यों बोलूं मैं इनको,
जो लोग गलत करेंगे मैं उनके बारे में बोलूँगा। आई रिस्पेक्ट आशीष भाई हो गया अपना, आशीष भाई जी क्या नाम है उनका, हाँ जो यूट्यूबर है आशीष शर्मा जी, वो भी हैं, उनके बारे में क्यों नहीं बोलता। जो लोग गलत हैं सिर्फ उनके बारे में बोलूँगा। और जो कहते हैं ना कि हाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, भाई डरो मुझसे, डरो जो गलत काम करेगा तो डरो, मेरा पैसा डूबा है ना मुझे हर्ट होता है, मैं सारी पब्लिक को लेके चलता हूँ कि हाँ अगर मैं उनकी जगह आऊँगा मेरा डूबेगा तो क्या होएगा, ठीक है ना। तो अगर कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हो अपनी पर्सनल रिसर्च करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने एड गुरु में किया मैं तब भी कहता हूँ अपनी पर्सनल रिसर्च करो, मेरी वीडियो पे मत जाओ, बट ये कि जो प्रूफ जैनवन है वो जैनवन है, ठीक है, वीडियो देख लेना आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात कि नीचे कमेंट करते हैं तेरे को कुछ नहीं पता, तेरे को नॉलेज नहीं है, तू फेक है, तू ये है, तू ये करना चाहता है, वो करना चाहता है, तो उस चीज़ से मैं एक बात बता दूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं भी वो चीज़ कर रहा था जब आप लोग कर रहे थे। तो सबसे बड़ी बात, मैं उन लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ जो नीचे कमेंट करते हैं कि तेरे को कुछ नहीं पता, तेरे को ये है फेक वीडियो है, तेरे को नॉलेज नहीं है, तू पागल है, ये है, तो उनको मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी बहुत करी हैं। मैंने MLM में पैसा लगाया, मुझे पता मैंने कंपनी में पैसा लगाया, तो मैं दिल को तसल्ली देने के लिए नीचे कमेंट किया, गालियाँ दी मैंने लोगों को, सबको दिया। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ऐसा पब्लिक बना रहा हूँ, आई एम नॉट अ यूट्यूबर कि हाँ भी यूट्यूबर बनना है, ठीक है, यूट्यूबर बनना होता तो मैं अपनी शक्ल दिखाता भाई लोग। तो इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट, क्या आप चाहते हो। जो बच्चे स्कूल में या कॉलेज में पढ़ने जाते उन्हें चंद पैसों का लालच देकर उनका अमूल्य टाइम बर्बाद कर देते ये लोग। ये चीज कब हमारे न्यू जनरेशन को अंदर से खोखला कर देगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इस वीडियो को देखकर दो बंदे भी सही रास्ते पर आ जाते तो मुझे नीचे मिलने वाले डिसलाइक से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये चेन मार्केटिंग करने वालों को हम सिर्फ यही बताना चाहेंगे, अगर धोने हो अपने पाप तो काट डालो अपना साफ, लड़कियों के लिए सारे पाप माफ। आजकल झूठ बोलने के पैसे मिलने स्टार्ट हो गए स्पेशली यूट्यूबर्स को, और वो भी $1,600 नहीं, लगभग 1,000 से लेकर $1,500। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप ही अपने चैनल आज मैं फिर से एक वेबसाइट लेकर हाजिर हूँ जिसका नाम है प्रॉफिट डॉट कैश। ऐसा नहीं है कि मैं 100% फेलियर हुआ हूँ। ममड़ा ममड़ा चप्पल का चमड़ा, टांगों को तोड़ूंगा करेंगा बंगड़ा, मुर्गी का टंगड़ा, मम्मा मम्मा का जादू भी एक काम कर, आके मेरा मुंह पीस तेरे जिसे जितने लोग सोच रखते हैं उन लोग को लटकाऊंगा तराजू के कांटे पे, समझ में आया क्या, आया क्या एलियन के शक्ल के आला जावे। ये लोग ने पैसा कमा लिया, सब कुछ बना लिया, 4-5 साल के लिए मिलेंगी तालियां, उसके बाद गायब हो जाते बेचारे, इन्हें आर्टिस्ट ना बोलो, इन्हें बोलो विजय माल्या, समझ में आया क्या। ये पैसे के पीछे हाँ पागल है, इसलिए मुझे से ना खड़ा कर पाएंगे एम्पायर, मेरा ही स्टेडियम, मेरा ही मैच और मेरा ही रूल्स, और मैं खुद ही एम्पायर। बैटला बोल डाल थिंगो स्किर्रा, मैं रैप करूं खा खा खा। बड़ी बड़ी बातें करते लोग इन जैसे, जिनका है छोटा तुम सच बातें, बोल बच्चन करने से ही पॉप नहीं होता, भीड़ में ही आते इन जैसे, जिनमें साला दम नहीं होता, खुद की मराते क्योंकि बात जाहिर इनका ये दिमाग है छोटा। नहीं आता कुछ तुझे मैंने ये तो जान लिया, तेरी खुश फहमी पे तेरी लेने के ठान लिया, तेरे जैसे किन्नों की ना जाने मैंने प्राण लिया, कह के तेरी लूंगा अब मैंने ये तो मान लिया, फ्लो तेरा बिल्कुल ही बहती गटर है, फिर भी तुझ में ये इतनी अकड़ है, चेहरे पे तेरे में होतिया ही लिख दूं हूं, क्योंकि टोली में तू ही सदर है, की डोली में तू ही सदर है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, नीचे कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसी लगी, सही लगी तब भी, नहीं लगी तब भी, कुछ आपको गलत लग रहा है तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में उसको सुधारा जाए। ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और मेरे को टैग भी करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टैग करें मैं रीट्वीट करूंगा, और बाकी यूट्यूबर को भी टैग करें कोई दिक्कत नहीं है, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको कोई परेशानी है कोई दिक्कत है आप वहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप अपनी बात रख सकते हैं, कुछ भी रिलेटेड क्रिप्टो से रिलेटेड या किसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलो यार अगर वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक करो, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और यार कमेंट किए बिना तो जाना ही मत। मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। सीधा शॉट, जो भी हूँ सामने हूँ सबसे अलग हूँ, मैं मेरे काम में हूँ, मेहनत का खाता हूँ, सबको बताता हूँ, मैं बेटा समय पे कभी नहीं आता हूँ, समय पे आने वाले चले जाते, जिनको कुछ आता नहीं हमको समझाते, जिंदगी पिक्चर है फूल और कांटे, खिलाता कोई नहीं है, सब अपने नसीब का खाते।